नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी रनर्स क्लब द्वारा इंडोर फिटनेस चैलेंज का प्रारंभ हुआ, जिसमें तीन कैटेगरी बनाई गई, चलना, दौड़ना, रस्सी कूद। इन तीनों कैटेगरियों में 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। स्थानीय विधायक रामकेश मीणा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरतन कोहली द्वारा हरी झंडी दिखाकर मोटिवेशन स्पीच देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। मेरी गंगापुर निवासियों से मेरी अपील है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इंडोर फिटनेस पर ध्यान देते हुए हर वो व्यक्ति जो घर में अपनी कसरत करके और स्वास्थ्य को अपना ठीक रख सकता है, अपने परिवार के लोगों को ठीक रख सकता है, इससे आपके इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना जैसी महामारियों से बचाव होगा। सभी लोगों से मेरी अपील है कि गंगापुर सिटी द्वारा इंडोर फिटनेस जो प्रोग्राम कल से प्रारंभ किया गया है, उन सबके लिए पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं और बधाई। इंडोर वॉक करें, फिट रहें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें और स्वस्थ रहें। सर, गंगापुर सिटी परिवर्तन फाउंडेशन द्वारा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष हेमंत शर्मा का कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान किया, साथ ही भगत सिंह बाल गार्डन में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर परिवर्तन फाउंडेशन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ मोहकमपुरा PSC के सामने सड़क पर हुआ प्रसव के मामले में हाईकोर्ट के प्रसंज्ञान लेने के बाद जांच के लिए पहुंचे जिला न्यायाधीश, बोले किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपको मिलेगा न्याय। प्रसूता सहित परिजन, छोटी सरवा, PSC कार्मिकों के लिए बयान। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। एक बार एक पूरी बात बताओ, यहाँ से